माय माय, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, भाभी जी कमाल लग रही हैं आप तो। थैंक यू थैंक यू। अब मोहतरमा, ये काला चश्मा लगा के अब बाहर मत चले जाइएगा, हाथ से हो जाएंगे। आप बोले भाभी जी, मैं कह रहा था कि ये काला चश्मा लगाने की कोई खास वजह? हाँ, वो लड्डू के भैया को आंखें आ गई है ना, जो हमको भी आ जाएगी, इसलिए हम काला चश्मा लगाए हैं। प्लीज, लड्डू के भैया का बिस्तर घर के बाहर लगवाया करिए, उनकी औकात नहीं आपके बगल में सोने की। काहे? मैं ये कह रहा था भाभी जी कि आपकी भी ना आंखें आ जाएंगी। और इन आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा ही क्या है? कहा बोले? इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। आप क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। भाभी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ख्याल रखिएगा आपकी आंखें ना पाए, और अगर आपकी आंखें आ गई तो हमारी चली जाएंगी। अरे, हमारी आंखें ना ही आएंगी, हमने पहले से ही प्रोडक्शन लिया है। भाभी जी, इट्स नॉट प्रोडक्शन, इट्स प्रोटेक्शन। सही पकड़े हैं। अरे भाभी जी, जरा चश्मा उतारिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी आंखें आई हैं कि नहीं आई, दिखाई। ना ही आई हैं, हम कह रहे ना ही आई हैं। भाभी जी, कम ऑन, चश्मा उतारिए ना, एक मिनट के लिए, कम ऑन, दीजिए दीजिए। ये देखिए, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। हाँ, देखिए देखिए ना, और देखिए देखिए, कुछ गजरा रहा है, आप आइए, देखिए ना। सुके, छोड़ दीजिए, आपकी आंख नहीं आई है अभी तक। तो वही तो हम कब से कह रहे हैं कि आंख ना ही आई है, ना ही आई है, ना ही आई, लेकिन आप सुनते ही ना ही है। अच्छा भाभी जी, आप मेरी आंखों में देखिए, बताइए ना कि मेरी आंखें आई हैं कि नहीं। आपकी भी आंखें ना ही आई हैं। भाभी जी, गौर से देखिए ना इन आंखों में, आपको कुछ नजर आएगा। भाभी जी, कुछ नजर आ रहा है? हाँ, कुछ नजर आ रहा है। थैंक गॉड, आखिरकार भाभी जी को मेरी आंखों में कुछ तो नजर आया। भाभी जी, सच बताइए, क्या नजर आ रहा है आपको मेरी आंखों में? आप आंखें साफ नहीं करते, कहाँ कचरा नजर आ रहा है आपकी आंखों में, साफ कीजिए। भाभी जी, भी कमाल है, हम इन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये क्या देख रही है? क्या बोले भाभी जी? कुछ नहीं, बस हमारी आंखों में अभी भी उम्मीद बाकी है कि कभी ना कभी तो आपकी आंख खुलेगी। आप भरभूति जी, आप कहाँ बड़बड़ाते हैं, हमको सचमुच समझ में ना ही आता है। भाभी जी, ये मैं नहीं, मेरी आंखें बोल रही है। हमारी सब्जी जल रही है। सब्जी जल रही है और हमारा दिल जो बन रहा है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। भाभी जी, ये सब्जी कौन सी बना रही हैं आप? घुइया। रुक जा भाई, ये ले जा। ये आंखों को भी कम वक्त अभी आना था, अच्छा हुआ काला चश्मा लगा दिया, नहीं तो भाभी जी के तो पास तक नहीं फटक सकते थे। अरे भैया तिवारी। दादा। अरे यार, ये थोथा चना बाजो घना कहां से टपक पड़ा? अरे भैया तिवारी, जो कारो चश्मा लगा के जेम्स बॉन्ड बने कहां घूम रहे हो? कौनो कांड वांड कर डारो का? अरे आपको हर जगह कांड ही कांड नजर आता है का? कहा करें भैया तिवारी, जब पुलिस की नौकरी ससरी ऐसी है कि हर आदमी को शक की नजर से देखने पड़तू है कि बाने कौन कांड तो नहीं कर डारो। आईने में अपनी शक्ल देखी है? हाँ, मतलब आपने भी तो नौ नौठैया कांड कर रखे हैं। तिवारी तुम यार, कसम से कह रहे, सच में बहुत बड़ी चिरांद हो यार, बात को कहां से कहां घुमा दिया है। हम घुमाते? अरे बात को तो आप घुमाते हैं, ऐसी रई घुमाते हैं कि दही में से घी तक निकाल लेते हैं और घी को रई पर लगने भी नहीं देते। अरे भैया क्या बनाए तिवारी, अब हमाम में तो सब नंगे हैं, हैं? वैसे तुम भी थोड़ा कम नहीं घुमाते हो, हमने भी तुमको छुप छुप के देखा है उन गलियों से आते। बकवास मत करो, ये धूर में लठ मत चलाओ, कौन सी गलियों में से आते देखा आपने हमें?
अरे अरे छोड़ो यार महाराज, तुम तो यार पीछे पड़ गए हो, तुमसे कम मजाक नहीं कर सकते हमें। अरे यार छोड़ो छोड़ो, हम तो जो कह रहे तो चश्मा बड़ो अच्छो लग रहा हो कारू वालो का, राज है जाको। कोई राजबाज नहीं है, बस ऐसे ही लगा रखा है शौक के लिए। अच्छा, लेकिन तुम पहले तो भैया वो नजर को चश्मा लगाती थी, तुम्हारे अंदर जो अचानक से मतलब शौक को कीड़ा कहाँ से बिलबिलाने लगो ऐसे बिल। अरे तिवारी यार, तुम्हारी तो आंखें आ गई हैं। लगा लगा चश्मा, लगा चश्मा, चश्मा लगा, लगा लिया, अब आपके लिए भी बुलाई ली है। अरे यार बातें ना करो यार, हमारी आंखें आ जाएंगी तो हमारे घर में नौ नौ ठगिया बच्चा, प्रेग्नेंट बीबी, उनको ध्यान कौन रखेगा? अरे दूर हटो यार तुम यार। अरे सुनो, अरे तो सही करो यार। दरोगा जी कहां गई? अरे हमारी बात तो सुनो, अरे तनिक नजर से नजर तो मिला के देखो। आओ आओ, तेल भी नहीं है। दरोगा जी कमबख्त हमें चिरांद कह रहा है, खुद कितनी बड़ी चिरांद है ये पता नहीं, खाम खमे टाइम वेस्ट करके रख दिया साले ने। टिगू टिगू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, आज मिला था मैं उनसे, उन्होंने अपनी आंखों में ना रंगीन चश्मा लगा रखा था, कितनी हसीन लग रही थी, बाय गॉड बहुत हसीन लग रही थी, दिल कर रहा था कि अभी वो दिल नहीं कर रहा था यार, दिल कर रहा था कि बस वक्त थम जाए और मैं भाभी जी को यूं ही टकटकी बांध के देखता रहूं। यार तू ना बड़ी चीप बातें कर रहा है यार। नहीं नहीं बाद में फोन करता तुझे, अरे चीपड़ा है तू, ऐसे ही बेकार। हाय विभूति, अरे प्रेम, ग्रेट टू सी यू मैन, ग्रेट टू सी यू। तू तो सिंगापुर गया हुआ था ना यार। अब यार मैं तेरे जैसा नल्ला तो बैठा हुआ नहीं हूँ कि कानपुर में बैठकर मक्खियां मारूं। तू ये बात बात में मेरी बेइज्जती क्यों करता है? तेरी तारीफ भी कर दिया कर। अरे यार तेरे अंदर तारीफ जैसी क्या चीज है जो मैं तेरी तारीफ करूँ। खैर छोड़, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तू मेरे लिए ब्रांडो की वॉच लेके आया है? यार मुझे बचपन से ख्वाहिश थी कि जिंदगी में एक बार, कम से कम एक बार तो मैं ब्रांडो की वॉच पहनूं। ले आता यार, ले आता, मगर तू ही सोच, तेरे जैसा बेरोजगार आदमी ब्रांडो की वॉच पहनकर घूमेगा तो लोग तो यही सोचेंगे और बोलेंगे ना कहीं से महार लाया होगा। और मैं अपने दोस्त के बारे में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तेरे बारे में कोई ऐसा बोले और ऐसा सोचे। हाँ तू चाहे कुछ भी बोल दे, हाँ कोई और ना बोल सके, ये क्या बात हुई? अरे यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेगा। खैर छोड़, मैं तेरे लिए देख क्या लाया हूं। तूने कभी गॉगल पहने? व्हाट यू मीन भाई, तूने कभी गॉगल्स पहने? मैंने वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स पहने हैं, इसमें कौन सी खास बात है? इसके लेंसेज में क्या हीरे लगे हुए हैं? अरे यार इसमें तो हीरे से भी ज्यादा कीमती लेंसेज लगे हुए हैं। हाँ ये कौन से लेंसेज हैं इसके अंदर? इसके अंदर एक्सरे लेंसेज लगे हुए हैं। एक्सरे लेंसेज? मैं कुछ समझा नहीं। ये देख मुझे साफ साफ दिख रहा है। अरे यार तेरे शरीर में कितने दिल है? ठीक है कर रहा है देखा बेटा कितनी मजेदार चीज है, ले जा आरैश कर। मैं क्या आरैश करूंगा, मेरे 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 किस काम का है ये? मैं क्या यार? अबे ओए बेटा, मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ अब ये शर्माने का नाटक बंद कर और ये ले मजे कर मजे। अरे प्रेम जी नमस्ते। हेलो बाबी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी फाइन हूँ। प्रेम जी मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि आप अपने बिजनेस में विभू को सेट क्यों नहीं कर लेते? हाँ अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए। मेरा कहाँ बिजनेस है भाभी जी, मैं तो जुआ खेलता हूँ, जुआ, लाखों जाते हैं और करोड़ों आते हैं। और बताइए आप कैसी है? तू क्या 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 कर क्या कर क्या कर रहा है? अरे चश्मा पहन रहा हूँ यार। चश्मा क्यों पहन रहा? चश्मा क्यों पहन रहा? बाजा के पहन, बाजा के पहन, यानी पहन। अरे यार मुझे भाभी के हाथों की चाय तो पीने दे। मैं तुझसे मिल आऊंगा ना, भाभी के हाथ की चाय लेके आऊंगा थर्मस में, चल उधर। अरे वो एक चाय तो पीने दो उनको मेरे हाथों की। बाद में कभी, बाद में कभी, बाद में कभी। अच्छा भाभी जी नमस्ते, हम चलते।
और हाँ, ये गॉगल मैंने विभू को गिफ्ट दिया है, ये आप जरूर पहनिएगा, मजा आ जाएगा, मजा। चलते हैं भाभी जी। इडियट। तो मेरा विभू घर आए मेहमान को जलील करने में ना मजा आता है। याद ही पहले ही बहुत जलील है, तू मुझे बता रही है, मेरे बचपन का दोस्त है ये। हाँ तो कौन सी नई बात है, तुम्हारे तो सारे दोस्त ऐसे ही हैं। खैर छोड़ो, मुझे बताओ ना जरा क्या गॉगल्स दिए उसने, जरा देखूं मैं। अरे कुछ नहीं यार, फुटपाथ से लेके आया 5-10 रुपए का, ऐसे एहसान झाड़ रहा है मुझ पे। कमाल है विभू, तुम्हारे दोस्तों की नजरों में तुम्हारी ये इज्जत है कि फुटपाथ से उठाकर कोई भी टटपूंजिया चीज तुम्हें पकड़ा देंगे गिफ्ट की तरह। हाँ क्या फ्रेंड सर्कल है यार तुम्हारा, कैसे फ्रेंड्स बनाते हो तुम, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तुम भाइया से यूजलेस से दोस्त बना लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मेरा फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है। माल की चीज है यार। ओह गॉड। भाभी जी। क्या चीज दे गया यार, क्या चीज दे गया यार, माइंड ब्लोइंग यार, मजा आ गया यार। भाभी जी कितनी हसीन लग रही है, क्या करूं, ये एक्स्ट्रा गॉगल पहन डालूं है, क्या बोलता है, हेलो क्या अबे जलील इंसान, क्या कर रहा है तू, कौन है बे तू, अबे तेरा जमीर हूं बे, वो तो ठीक है लेकिन तेरा मुंह इतना काला क्यों है, अभी तो ये कम काला है, अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर वरना ये मुंह और काला हो जाएगा। बे मैंने किसकी लुगाई भगा ली है बे, अगर तेरा बस चले तो तू वो भी कर ले, लेकिन तू ये करने क्या वाला था अभी चश्मे से हा? ये एक्स्ट्रा गॉगल पहनकर मैं भाभी जी के दीदार करने जा रहा था। धिक्कार है तुझ पे, तेरे दिल में पाप है, पाप, तू पापी है, पापी। तू इस गंदे चश्मे से भाभी जी को देखने जा रहा था जिससे छी 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 छी। भाभी जी को गौर से देख, किधर गई भाभी जी को गौर से देख, कितनी मासूम, कितनी पाकीजा, कितनी सुशील, कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत लेडी को तो उस चश्मे से देखने जा रहा था जिसमें छी 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 छी, जिसमें कामुकता के और अश्लीलता के लेंसेज लगे हुए। गॉड गॉड, मैं कितना घिनौना काम करने जा रहा था, थैंक गॉड तूने बचा लिया मुझे। माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं ये क्या करने जा रहा था। अभी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चुप कर, माफ कर दिएगा बच्चा, अब आप सुन ध्यान से, तू ये चश्मा फेंक के आएगा समझा, और अगर तूने दोबारा ऐसी छिछोरी हरकत की तो याद रखना तुझे हाथ से नहीं मारूंगा, जूतों से मारूंगा, जूतों से, समझा। मैं फेंक देता हूं। अभरभूति जी, अभरभूति जी, अभरभूति जी। हाँ भाभी जी। भरभूति जी कहाँ खो गए? भाभी जी मैं खो नहीं गया था, मैं भटक गया था। अरे कहाँ भटक गए थे, कहाँ भटक गए, कहाँ, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कहाँ बोलते हैं भरभूति जी। हाँ चलो बाद में बात करते हैं। हाँ God. God. मैं ये क्या करने जा रहा था, ये सब कुछ इस चश्मे की वजह से हुआ, कुछ भी हो मैं इस चश्मे को फेंक दूंगा।
अम्मा जी, अम्मा जी, लड्डू के भैया को आँख आ गया है, कहाँ करे? ओहो, तो बिटिया सबसे पहले तो तुम उबाइल से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा भी आँख आ जाएगा, समझी? हाँ अम्मा जी, बैल काला चश्मा लगाए हैं। हाँ हाँ, तब तो ठीक है। अम्मा जी, कोनो देसी नक्शा बताइए ना। अरे वो नुस्खा होता है बिटिया। सही पकड़े हैं। अब बताइए ना अम्मा जी। किसका फोन है अंगूरी, किससे बात हो रही है? अम्मा जी का फोन है। अरे यार, ये तुम भी अम्मा जी के पल्लू से बंधी फिरती रहो, समझी? हेलो, हाँ हाँ अम्मा जी, लड्डू की भैया आए हैं। हाँ बताइए ना दवा देसी। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं। देखो बहुरिया, तुम एक काम करो, एक ठो भैंसिया का ताजा गोबर लेके आओ और उबाल की आंख में ठूस दो, देखना एक के दिन में सब ठीक हो जाएगा। हैं? आ ठीक बा अम्मा जी, भैंसिया का ताजा ताजा गोबर ठूस दे। हाँ आंख में। हाँ ठीक बा। दिमाग खराब हो गया क्या, हमारी आंख में भैंस का गोबर लगाओगी? हेलो, अम्मा जी कह रही है ना? अम्मा जी को कह रहे नहीं लगाएंगे हम गोबर वोबर। हेलो अम्मा जी, वो कह रहे नहीं लगाएंगे गोबर वोबर का? वो बैल का इतना हिम्मत कि वो हमरा बात टाले? देख फोन दे, फोन दे वो बैल को। हाँ एक मिनट एक मिनट, लीजिए अम्मा जी। भांस टू टेक। अरे भांस टू टेक नहीं, भांस टू टाक होता है। बैल, एक तो हम ही है तुम्हारा आँख ठीक करने का नुस्खा बता रहे हैं और तू ससुरा नखरे दिखा रहा है। अम्मा जी, आँख में कोई गोबर डालता है क्या? हमने तो पहले कभी नहीं सुना। ओहो, ये हमारी दादी का बहुत अचूक नुस्खा है, समझा? जब हम छोटे थे और हमारा आँख आता था तो हमारी दादी भैंसिया का ताजा गोबर हमारी आँख में लगाती थी। अम्मा हमारी बात तो सुनो। चुप रहे ससुरे का नाती, जैसा बोल रहे हैं चुपचाप से वैसा करो, नहीं तो वही गोबर में चप्पल डुबो डुबो के तुमका मारेंगे, समझे? यार अब चलो, रख रहे हैं फोन। अम्मा, अरे हमारी बात तो सुनो अम्मा। अरे अम्मा को काहे बताया कि हमारी आंख आई है? हैं? अरे आंख आई है ना, हम भैंसिया का ताजा ताजा गोबर लेके आते हैं। अभी अंगूरी, अब थुसवाओ आंख में गोबर। अंगूरी जी, अंगूरी जी कहाँ है? अरे आइए आइए भाभी जी, आइए आइए। तिवारी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए जी, जी। कहिए तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, हमारी आंखों की मधुमक्खियां आपके दर्शन रूपी पुष्पों के रस की प्यासी है। आज आपने दर्शन देकर हमारी इन आंखों की मधुमक्खियों की आत्मा को तृप्त कर दिया। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी मधुमक्खियों पर काला चश्मा क्यों लगा रखा है? माय गॉड, आई थिंक आपकी आंखें आ गई हैं, राइट? आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तिवारी जी देखिए, अगर आपको ऐसा हो गया ना तो आपको 3-4 दिन तक बहुत दूर रहना पड़ेगा मुझसे। ये मुझे ना हो जाए, ये बहुत कंटेजियस होता है ये, बता दीजिए हो गया ना आपको? अरे नहीं नहीं भाभी जी, हमारी हमारी आंखें नहीं आई हैं, ये तो बस हमने शौक के लिए लगा रखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन। चलिए फिर ठीक है, लेकिन अंगूरी जी नहीं दिख रही, कहाँ गई हैं? अंगूरी आ जाएगी तो सारी पोल पट्टी खोल देगी, फिर हम भाभी जी से 4-5 दिन तक नहीं मिल पाएंगे। अरे तिवारी जी, मैं पूछ रही हूँ कि अंगूरी जी कहाँ चली गई हैं? जी जी, बस यही कहीं होगी, आ जाएगी। आप बताइए हम क्या कर दें आपकी सेवा में? बस तिवारी जी, आपका दरवाजा खुला हुआ था, मैंने सोचा अंगूरी जी को हेलो कह देते। हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए आधी रात को भी खुले हैं भाभी जी। हेलो अंगूरी जी। कैसे हो? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बदबू कहाँ से आ रही है? क्या है आपके हाथ में? आई गोबर है। उधर ही रखिए, उधर ही रखिए। क्या करेंगे आप गोबर का? ये लड्डू के भैया का ना, वो क्या है ना कि आजकल हमारे सर में बहुत दर्द रहने लगा है, तो वैद्य जी ने कहा है कि सर पे वो गोबर का लेप करो।
और आप सर पे कोबर लगाने वाले हैं? नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो अम्मा जी से बात हो गई है। लेकिन अम्मा जी बोली सर पर गोबर लगाओ। आप लोग एक काम कीजिए कि आप सर पे गोबर लगवाइए, मैं चलती हूँ। हाँ आज वैसे घर में आप ना ही आए तो ठीक है। लगाइए लगाइए लगाइए। लोग ऐसा करते हैं। सर पे गोबर ना ही लगाना है, तो आँख पे लगाना है। नहीं लगाओ ना, आँख में घुसड़ो, घुसड़ो हमारी आँख में। लो लो, लगाते हैं, लगाते हैं। लो लगाओ, लगाओ। किसने सही कहा है? हर दोस्त कमीना होता है। अब मुझे चश्मा देने की क्या जरूरत थी? अब अभी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने मिले के रख लिया। अब इस चश्मे की वजह से कितना बड़ा गुनाह अजीब होने जा रहा था मुझसे। मैं इसको कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास रहा तो मैं भटक सकता हूँ यार, भटक सकता हूँ। मेरे घर के सामने कितनी टेम्पटेशन रहती है यार, कितनी बड़ी। मुझे फेंक देना चाहिए इसको कहीं। यस, आई थ्रो इट। कौन है बे? आई लाइक इट। खुद आंखें बंद करके चल रहा है और दुनिया से पूछ रहा है कौन है बे। अरे विभूति भैया, मेरी आंखें आ गई हैं, इसीलिए आंखें बंद करके चल रहा हूँ। ओ दुरटी 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 दुरटी, मेरी मेरी आंखें बुलवाएंगे क्या आप? हटिए यहां से। अरे भैया सुनिए ना, क्या हो जाएगा, आती हैं आंखें तो आने दीजिए ना। जब आंखें किरकिराती हैं तो बड़ा मजा आता है। हटिए 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 ना। अरे भैया हटिए हटिए। अरे भैया, अरे आंखें इस एक्स्ट्रा चश्मे को तोड़ के इस कचरे के डब्बे में डाल देता हूं। मेरे का बांस ना बचे की बांसुरी। गॉड, कहां गया मेरा एक्स्ट्रा वाला चश्मा?